राजाखेड़ा के गनहेदी पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा में पधारे मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 श्री पागल बाबा ने श्री राम के भक्तों को संबोधित किया और कहा कि जो भक्त श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आरएसएस के कार्यकर्ता आचार्य पंडित वेद प्रकाश वशिष्ठ, विजय सिंह, यशपाल त्यागी, वीरेंद्र, उमाशंकर त्यागी आदि लोग इस मौके पर मौजूद रहे। मनोज राघव की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। एकत्र हुए हैं और 22 तारीख को जो है विशेष तरह से जो है अयोध्या में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें हम लोग भी आमंत्रित है। सबके साथ में सबकी ओर से जिला जौनपुर से पागल बाबा वहाँ पर जाएगा और 3 दिन भगवान की प्रतिष्ठा में रहेगा। तो हमारा कहने का मतलब है 22 तारीख को सबके हृदय में भगवान का एहसास ऐसे होना चाहिए कि हमारे यहाँ भगवान आ रहे हैं और हम ना धोके पूरी तैयारी से हर घर घर में हर मंदिर पर भगवान की तरफ जो है नमस्कार करें, कीर्तन करें, भजन करें और प्रसाद मांग कर गाचकर बनाए आप उसमें खाए पिए प्रसाद भगवान का। तो ये मानो कलयुग में भगवान का जो अवतार होने जा रहा है यहाँ पर, ये मानो ये त्रेता का जो समय था उससे भी आगे बढ़ के सतयुग का समय आ गया है। हमारे बूढ़े बड़े कहते थे पहले बतराते रहते घर में लाने पर बैठ के कि कुछ समय सतयुग आएगा कलयुग में, वो समय आ चुका है तुम्हारा, जो तुम्हारी सानिध्य में तुम्हारे सामने और भगवान आ चुके हैं अयोध्या में और धीरे लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9।